अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां दशहरा पर्व पर निकलने वाला आरएसएस का पथ संचलन इस बार धूमधाम से निकला। कोरोना के प्रतिबंध समाप्त होने के बाद शहर के अलग अलग इलाकों से निकले पथ संचलन में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पथ संचालन में शामिल हुए। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बुधवार को भव्य स्तर पर पथ संचलन निकला गया, जिसमें शहर के हजारों स्वयं सेवकों द्वारा गणवेश में भाग लिया गया। इस वर्ष भी आरएसएस द्वारा शाखा स्तर पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच शाखा स्तर पर पथ संचलन निकाला गया, जिसमें सूरज नगर, ऋषि नगर, झीर सागर, माधव कॉलेज परिसर, नागझिरी, दशहरा मैदान क्षेत्र सहित अन्य जगहों पर से ये भी भव्य रूप में निकाला गया, जिसमें सूरज नगर, ऋषि नगर, झीर सागर, माधव कॉलेज परिसर, नागझिरी, दशहरा मैदान क्षेत्र सहित अन्य जगहों पर से भी भव्य रूप में निकाला गया। पथ संचलन सभी जगह संचलन का फूलों से स्वागत किया गया। इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं रखा गया है। प्रत्येक शाखा को निर्देश थे कि वे अपने आसपास के इलाके में भी संचलन निकालें। इसके चलते शाखाओं ने अपना ही रूट निर्धारित कर 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में पथ संचालन निकाला। मध्य प्रदेश डीजीपी सुधीर सक्सेना दशहरे के पावन पर्व पर उज्जैन पहुंचे और पुलिस लाइन में पहुंचकर शस्त्र पूजन अर्चना की। इसके बाद हर्ष फायरिंग भी की गई। उनके साथ उज्जैन संभाग आयुक्त संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला, लोकायुक्त एसपी दिलीप सोनी, एडिशनल एसपी इंद्रजीत बाकलवार, डीएसएनएल एसपी आकाश भूरिया, एडीएम संतोष टैगोर सहित संपूर्ण जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अंत्यानम स्वाहा ओम केशवाय।